रामनगर के नेशनल हाईवे 309 रानीखेत रोड पर स्थित पोस्ट ऑफिस में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े पोस्ट मास्टर समेत 3 अन्य कर्मचारियों के सरकारी आवासों में ताला तोड़कर हजारों रुपए की नकदी और चांदी के आभूषण की चोरी कर ली। इस दौरान दिन दहाड़े हुई इस घटना से जहां एक ओर पुलिस के सुरक्षा दावों के चोरों ने पोल खोल दी, तो वहीं विभाग के कर्मचारियों में भी कोहराम मचा हुआ है। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को देने के बाद कोतवाली के SSI प्रेम कुमार विश्वकर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, तो वहीं पुलिस आसपास में लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगालने में जुटी है। साथ ही इस मामले में पोस्ट मास्टर प्रवीण बिसियाल ने बताया कि आज वो और उनके 3 कर्मचारी अपने सरकारी आवासों में ताला लगाकर कार्यालय में ड्यूटी करने गए थे। ऐसे में दोपहर में जब लंच के दौरान पोस्ट मास्टर और तीनों कर्मचारी अपने घर पहुंचे, तो उन्होंने कमरे के ताले टूटे देखने के साथ ही कमरे में बिखरा हुआ सामान देखा, तो उनके होश उड़ गए। इस दौरान पोस्ट मास्टर ने बताया कि अज्ञात चोर करीब 40,000 की नकदी और 10,000 के चांदी के आभूषण चोरी करके ले गए हैं। वहीं बाकी का सामान और क्या चोरी हुआ है, इसकी जानकारी कर्मचारी जुटा रहे हैं। जी, आज हमारे सभी वर्कर लोग पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे, तो अभी लंच टाइम पे जब घर आए तो सबने अपने अपने कमरों के ताले देखे, तो ऊपर के 3 क्वार्टरों के ताले तो टूटे हुए हैं। फिर जब मैं इनको देखा तो फिर मैं अपने रूम पे गया, तो मेरे कमरे का भी ताला टूटा हुआ है। मैक्सिमम मेरे यहाँ से बल्कि नकदी भी साफ हो रखी है, 30-35 हज़ार रुपये के लगभग नकदी। और अभी रिसेंटली एक लड़के की शादी है, तो उसने थोड़ा बहुत जेवरात इकट्ठे कर रखे होंगे, वो भी चोरी हो रखे हैं। और बाकी सारे एम्प्लॉय रहते हैं यहाँ पे, सिंगल रहते हैं, तो दिन दहाड़े पता नहीं लगा किसी को, सब ऑफिस में रहे, यहाँ इतनी देर में चोरी हो गई है। पुलिस को सूचना दी आपने? जी बिल्कुल, पुलिस को सूचना दी गई है, अभी आए भी थे, वो देख के गए हैं। सोमवार को दिन दहाड़े रामनगर पोस्ट ऑफिस में 4 कर्मचारियों के घरों के ताले टूटने के बाद पुलिस के सुरक्षा दावों की चोरों ने पूरी तरह पोल खोल दिए। वहीं पोस्ट ऑफिस में दिन दहाड़े हुई चोरी के बाद पूरे पोस्ट ऑफिस के अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ। पोस्ट मास्टर प्रवीण बिसियाल ने बताया कि सुबह सभी कर्मचारी और वह खुद स्वयं अपने कमरे में ताला लगाकर ऑफिस ड्यूटी पर गए थे। जब दोपहर लंच टाइम पर वापस आए तो 3 कर्मचारियों को और एक उनके स्वयं के कमरे के ताले टूटे हुए थे। उन्होंने बताया कि मामले में करीब 35,000 से 40,000 रुपये की नकदी और करीब 10,000 रुपये के चांदी के आभूषण चोर अपने साथ ले गए। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने भी घटनास्थल का निरीक्षण करते चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कुल मिलाकर दिन दहाड़े हुई इस घटना को लेकर पुलिस के सुरक्षा दावों की जहां एक और पोल खुली है, तो वहीं आप देख सकते हैं कि रामनगर में चोर किस तरह हावी हैं कि दिन दहाड़े भी अब घरों को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। घटना को लेकर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर और पुलिस के सुरक्षा दावों को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, News 31 उत्तराखंड। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।